नमस्कार सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना ने जो ये BRI प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसके पीछे चाइना का रियल पर्पस क्या है। आखिर बाहर के देशों में चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स को क्या केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के नाम पे खर्च रहा है, या फिर इसके पीछे चाइना का कोई अल्टीरियर मोटिव है? क्या चाइना इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया को इनसर्कल करना चाहता है, या USA को कम्पीट करना चाहता है, या फिर इसे एक टूल के रूप में यूज करना चाहता है अपने सुपर पावर बनने के एंबिशन को पूरा करने के लिए? अगर हम चाइना का वर्जन सुने तो चाइना कहता है, देखो भैया, हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो हम सिर्फ ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम गरीब कंट्रीज को डेवलप बनाना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? ऐसा कहकर चाइना ने बहुत सारी कंट्रीज को अपने डेट ट्रैप में फंसा लिया है। पर अगर हम जियोपॉलिटिकल लेंस से इस प्रोजेक्ट को एनालिसिस करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2013 में लॉन्च हुआ था, तो अभी हमारे पास ठीक ठाक डाटा है ये एनालिसिस करने के लिए कि चाइना का रियल पर्पस क्या है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पीछे। देखो, चाइना कोई ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देना या डेवलपमेंट करना इसका अल्टीमेट गोल नहीं है। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है और अपने स्ट्रेटेजिक बेनिफिट को बढ़ा के इवेंचुअली वो एक सुपर पावर बनने के लिए इस प्रोजेक्ट को यूज करना चाहता है। अब अगर हम थोड़ा सा BRI प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, तो 2013 में जब शी जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, तो उस समय इस प्रोजेक्ट का बजट 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास माना गया। तो आप समझ रहे हो इस प्रोजेक्ट की ग्रेविटी। ये प्रोजेक्ट अकेले ही इंडिया की इकोनॉमी का लगभग 3 गुना है। चाइना का एस्टिमेट है कि आने वाले 25 सालों में ये प्रोजेक्ट जब बन के कम्प्लीट हो जाएगा, तब तक इसमें 150 से ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेंट बन चुकी होंगी, जिसमें आप सऊदी, UAE, रशिया, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज को आप काउंट कर सकते हो जो BRI प्रोजेक्ट का पार्ट होंगी। और अगर ये प्रोजेक्ट सच में सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया चाइना के आगे बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर पाए। चाइना बहुत आगे निकल जाएगा सुपर पावर बनने की रेस में। तो अब क्योंकि सुपर पावर बनने की बात आ ही चुकी है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वो कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई कंट्री कितनी पावरफुल है। तो देखो, कुछ एक मेजर फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई कंट्री कितनी पावरफुल है। तो सबसे पहला फैक्टर है कि एक कंट्री कितना ज्यादा डिपेंड करती है दूसरी कंट्रीज पे अपने जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं, जैसे ऑयल हो गया, पावर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उनके लिए। अब यहाँ पे सीधा फंडा ये है कि एक कंट्री जितना कम डिपेंडेंट रहेगी अपनी जरूरतों के लिए दूसरी कंट्रीज पे, वो कंट्री उतना ही ज्यादा पावरफुल होगी। एग्जाम्पल के लिए आप जापान को ले लो। देखो, जापान की इकोनॉमी काफी पावरफुल है, लेकिन जब बात आती है एनर्जी की सप्लाई की, तो जापान 90% अपनी एनर्जी को बाहर से इम्पोर्ट करता है। तो आप सोचो, यहाँ पे जापान इतना ज्यादा डिपेंडेंट है बाहर की कंट्रीज पे, जो इसको ऑटोमेटिकली वीक बनाती है। अब कल को अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन जापान के अगेंस्ट हो जाए और कुछ कंट्रीज मिलके जापान की एनर्जी सप्लाई को रोक दें, तो जापान के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और जो दूसरा पैमाना होता है ये मापने के लिए कि कोई कंट्री कितनी पावरफुल है, वो ये है कि बाकी कंट्रीज उस कंट्री पे अपनी सप्लाई के लिए कितना डिपेंडेंट है, चाहे वो फूड की सप्लाई हो, चाहे ऑयल की हो, चाहे टेक्नोलॉजी की हो। आप इसमें उदाहरण के लिए ताइवान को ले लो। देखो, जो दुनिया का 50% से अधिक सेमीकंडक्टर है वो अकेले ताइवान बनाता है, और यही वजह है कि आप देखो कि जो US और इंडिया जैसी कंट्रीज हैं वो ताइवान के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन रखती हैं। भले ही इंडिया और USA ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर फिर भी उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग अलायंस में रहते हैं। और इसके अलावा स्ट्रेटजिक अलायंस का होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी कंट्री को पावरफुल बनाने में। आप USA को ले लो, सिर्फ एशिया में ही नहीं, दुनिया के हर कोने में उसकी आप नेवल और मिलिट्री बेसिस पाओगे, जो उसे एक अल्टीमेट सुपर पावर के रूप में खड़ा करता है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं चाइना की, तो इन सब पैमानों में हम जरा चाइना को रख के देखते हैं कि चाइना कितना पावरफुल है। देखो, चाइना की अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो चाइना जो है ना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। दुनिया की जो 30% मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अकेले चाइना में होती है। US इसमें सेकंड नंबर पे आता है 17% मैन्युफैक्चरिंग के साथ। और US अकेले चाइना से 2020 में $450 बिलियन का इम्पोर्ट किया है। और जब हम बात करते हैं सोलर इंडस्ट्री की, तो चाइना वहाँ पे भी डोमिनेट करता है, क्योंकि जो सोलर इंडस्ट्री के मेजर पार्ट्स हैं उसका 70-80% अकेले चाइना ही प्रोड्यूस करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया काफी हद तक निर्भर तो करती है चाइना पे सप्लाई के लिए, लेकिन ये सप्लाई उतनी इसेंशियल नहीं है जितनी ऑयल, गैसेस या फूड होते हैं। और अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि चाइना कितना डिपेंड करता है दूसरी कंट्रीज पे। देखो, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे चाइना ऑब्वियसली सेल्फ रिलायंट है, लेकिन अगेन जापान की तरह चाइना भी अपनी एनर्जी के लिए काफी हद तक मिडल ईस्ट पे, रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि इन्हें ऑयल और गैस जैसी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत भारी मात्रा में अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो जब हम इस पैमाने देखते हैं, तो वहां भी चाइना काफी वीक नजर आता है। तो आखिर ऐसे में चाइना एक सुपर पावर कैसे बनेगा? तो इसी सपने को पूरा करने के लिए भैया चाइना ने लॉन्च किया BRI प्रोजेक्ट को। आप ये समझ लो ना कि ये जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है ना, ये चाइना के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। अगर ये सही से चल गया ना, तो ये चाइना को काफी पावरफुल बना देगा। समझाता हूँ मैं आपको कैसे। देखो, अभी तक तो आप भी ये समझ गए हो कि चाइना के पास भले ही पैसे बहुत ज्यादा हो, पर अगर चाइना को एक सुपर पावर बनना है तो उसे अपने एलाइज को बढ़ाना होगा, अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा। तो आपको क्या लगता है, चाइना इस बात को नहीं समझता? चाइना भी इस बात को समझता है, और अभी चाइना अपनी डिपेंडेंसी को ही कम करना चाह रहा है और अपनी स्ट्रेटजिक अलायंस को बढ़ाना चाह रहा है।
तो चलो चाइना को एक बार यूएस से कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि यूएस ऑलरेडी एक सुपर पावर है और चाइना ने एक सुपर पावर बनना है। तो देखो यूएस के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ट्रीटीज है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, 800 से अधिक उसके पास मिलिट्री बेसिस है जो कि 70 से ज्यादा कंट्रीज में फैले हुए हैं। और वहीं जब हम चाइना को देखते हैं तो चाइना के पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस किसी कंट्री के साथ है नहीं। गिना चुना तो एक उनके पास मिलिट्री बेस है जो कि जिबूती में है, और वार टाइम में वो उतना इंपॉर्टेंट और क्रूशियल साबित भी नहीं होगा। तो वापस से हम बात करते हैं ट्रेड की। देखो चाइना जो है ना अपना ऑयल इंपोर्ट ज्यादातर मिडिल ईस्ट से करता है। अब क्योंकि चाइना का इंडियन ओशन में या फिर इंडियन पेनिनसुला में कोई पोर्ट तो है नहीं, इनके जो सारे पोर्ट्स हैं वो ईस्टर्न चाइना में है, चाहे वो शंघाई का पोर्ट हो, चाहे हांगकांग का हो, चाहे कियानजिंग का हो। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब चाइना ने मिडिल ईस्ट से अपने ऑयल टैंक को मंगाना होता है तो उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरना होता है, जो कि फॉल करता है इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के टेरिटोरियल वाटर में। और यही नहीं, चाइना का जो 70% एलएनजी और पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट है वो यहीं से होता है। तो आप सोच के देखो, कल को अगर चाइना ने रशिया की तरह ताइवान पे अटैक करने की कोशिश की, उसे चाइना का पार्ट बनाने की कोशिश की, तो यूएस, इंडिया और अदर कंट्रीज जो यूएस की एलाइज हैं वो एक साथ मिलकर सिंगापुर के साथ अलायंस के थ्रू जो ये चोक पॉइंट है ना स्ट्रेट ऑफ मलक्का का, इसको बंद कर सकती है। और इसके बाद चाइना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आएगी कि वो जो अपनी ऑयल की सप्लाई है, जो उसका ट्रेड है, वो करेगा तो कैसे करेगा। अगर वो अपना रूट बदलता है तो इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा पर ईयर एक्स्ट्रा बढ़ेगा। लेकिन वो भी आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अलावा जो रूट्स हैं वो भी यूएस एलाइज कंट्रीज हैं, तो वहां पे भी यूएस चाइना के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो आप समझ लो कि चाइना की हालत उस पहलवान की तरह है जिसके पैर तो बड़े मजबूत हैं पर वो चल नहीं सकता। यानी आप सोचो चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन कल को अगर वो यूएस से टकराता है या किसी भी तरीके से वो ताइवान पे अटैक करने की कोशिश करता है या कोई किसी तरह का एग्रेशन दिखाता है, तो चाइना की इकोनॉमी को तोड़ने में यूएस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए चाइना ने लॉन्च किया 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। अब ये एक अल्टरनेट ट्रेड रूट है और ज्यादा कुछ है नहीं, जिसके थ्रू चाइना क्या करेगा कि इंडिया, यूएस और अदर कंट्रीज का जो खतरा रहता है चाइना के ट्रेड रूट को ब्लॉक करने की, उसको खत्म करेगा। तो अगर BRI को मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं ना, तो BRI बस एक अल्टरनेट ट्रेड रूट है चाइना के लिए, जिसके थ्रू चाइना ये सिक्योर करना चाहता है कि कल को अगर सिचुएशन चेंज होती है तो यूएस और इंडिया या फिर अदर कंट्रीज के पास ये पावर ना हो कि चाइना के ट्रेड को ब्लॉक कर सके। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है ये काम कैसे करता है। देखो अगर आपने जीवन में कभी भी किसी चाइनीज सामान को यूज किया है ना, तो बिलीव करो आपको ऑलरेडी पता है कि BRI प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। चाइनीज सामानों की खासियत क्या होती है, एक तो उनका रेट फिक्स नहीं होता है और दूसरी बात यह है कि उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। चल गया तो चल गया और नहीं चला तो आपके पैसे डूबे समझो। सेम कंडीशन देखने को मिलेगी आपको BRI प्रोजेक्ट में। BRI के थ्रू जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसका रेट बहुत ही ओपेक होता है, ये क्लियर ट्रांसपेरेंट वे में बताते नहीं है कि वो कितने में इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं और प्रोजेक्ट पूरा होते होते उसका बजट कितना बढ़ जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि जैसे चाइनीज सामानों की कोई गारंटी नहीं होती, वैसे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद उसके प्रॉफिटेबल होने की भी कोई गारंटी नहीं होती है। और इसके तो बहुत सारे एग्जांपल आप श्रीलंका में, पाकिस्तान में, जिबूती में देख सकते हो। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट के अनऑफिशियल मैनुअल को देखें ना, तो सबसे पहले चाइना करता क्या है कि जो वीक इकोनॉमी है और जो वीक डेमोक्रेसी है, यानी जहाँ पे लोकतंत्र भी कमजोर है और जहाँ की अर्थव्यवस्था भी कमजोर है, जैसे पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया और इनका प्यारा जिबूती हो गया, इन कंट्रीज के पास चाइना वाले जाते हैं और कहते हैं भैया हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन देंगे, आप अपना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, पोर्ट बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, हाईवेज बनाओ, रेलवेज बनाओ। वास्तविकता में क्या होता है कि जिस कंट्रीज के पास चाइना अपना ये लोन देता है BRI के थ्रू, वो कंट्री टोटली डिपेंडेंट हो जाती है आने वाले समय में चाइना पे, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट ओपेक होता है तो बाकी किसी कंट्रीज को इनके डील के बारे में पता नहीं चल पाता। और पता भी कैसे चलेगा जब ये डील ही करप्ट होती है, ऑटोमेटिकली धीमे धीमे ये छोटी और गरीब कंट्रीज चाइना की कॉलोनी बनकर रह जाती है। क्योंकि अब तक तो इन प्रोजेक्ट के थ्रू किसी कंट्री में कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ देखी नहीं गई है। पिछले 7-8 सालों में चाइना फंडेड जितने भी प्रोजेक्ट थे उनमें से किसी ने भी ग्रोथ नहीं दिखाया, उल्टे जिन कंट्रीज में इन प्रोजेक्ट को लागू किया था वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुकी है। अगर आप चाइना का जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन है जिसको ये BRI के थ्रू देते हैं, इसको वर्ल्ड बैंक के लोन से कंपेयर करके देखो, जहां पे वर्ल्ड बैंक 1-2% का ब्याज लेता है, वहीं पे चाइना 6-7% का ब्याज लेता है। और जहां वर्ल्ड बैंक 20-30 सालों का वक्त देता है लोन को चुकाने के लिए, वहीं चाइना 10-15 सालों का मैक्सिमम टाइम देता है आपको लोन को वापस भी चुकाना है और 6-7% आपको ब्याज भी देना है। और इतना ही नहीं, जब चाइना किसी कंट्री को लोन देता है किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, चाहे वो हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, तो वहाँ पे लोन को पास करने की एक कंडीशन ये भी होती है कि जो ये प्रोजेक्ट है ना उसकी ठेकेदारी किसी चाइनीज कंपनी को ही दी जाएगी। तो यही है बेसिकली चाइना का डेट ट्रैप, एक उधार का जाल जिसमें जो कंट्री फंस जाती है वो निकल नहीं पाती। क्योंकि आप सोचो, एक कंट्री ने अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए चाइना से लोन लिया, अब लोन लेने के बाद उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम
काम जो ठेका है वो भी किसको दे दिया, चाइनीज कंपनी को। और उस चाइनीज कंपनी ने वहां के लोगों को काम नहीं दिया कि वहां के वर्कर को काम दे के वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं किया। वहां उसने चाइना से वर्कर को बुला के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, कंप्लीट भी क्या किया, उस प्रोजेक्ट को लंबा भी चाइना खींच सकता है और हो सकता है कि जो उसका बजट है उसको बढ़ा दे। अब चाइनीज कंपनी ये सब इसलिए कर सकती है क्योंकि उस प्रोजेक्ट में उसको कंप्लीट करने वाला कोई दूसरी कंपनी तो है नहीं, तो इस केस में उस पर्टिकुलर कंट्री के पास ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं है। और चाइना का जो कर्ज है 6-7% ब्याज के साथ वो अलग से सर पे मंडरा ही रहा होता है। तो इस केस में आप सोचो क्या होगा। अगर हम उदाहरण से देखें तो जैसे श्रीलंका था, उसका हम्बनटोटा पोर्ट था, चाइना ने ले लिया 99 सालों के लिए लीज पे क्योंकि भैया ये लोग कर्ज को भर नहीं पाए। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है इसको भी चाइना ने 40 साल के लिए लीज पे ले रखा है। और ये पाकिस्तानी लीडर्स चिल्लाते फिरते हैं कि पाकिस्तान और चाइना तो ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही होते हैं फ्रेंड आप सोच लो। और यहाँ तक कि जिबूती के साथ भी चाइना ने ऐसा ही किया है। और जिबूती की लोकेशन काफी अच्छी है, चाहे आपको रेड सी में जाना हो, चाहे इंडियन ओशन में आना हो, या फिर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना हो, मिडल ईस्ट से कुछ मंगाना हो, तो इस केस में जिबूती की लोकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो चाइना ने इस बेचारे छोटे देश को भी बलि का बकरा बना दिया। इसके अलावा BRI प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना अपनी बहुत सारी और समस्याओं को भी टैकल करने की कोशिश कर रहा है। देखो चाइना बहुत सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रहा है जिसके अंतर्गत ये बहुत सारी पाइपलाइंस को, रेलवे को, हाईवे को बिछा रहा है। उसकी वजह क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जो चाइना के इम्पोर्टेड गुड्स आते हैं ना वो आते हैं इसके ईस्टर्न पार्ट पे, क्योंकि इसके जितने भी पोर्ट्स हैं वो ईस्टर्न साइड पे ही है। और चाइना इतनी बड़ी कंट्री है तो इसका जो भीतरी इलाका है वहाँ पे कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा कमी है। तो उसके लिए चाइना बहुत सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है, बहुत सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रहा है। एक 800 मीटर लंबी पाइपलाइंस के थ्रू म्यांमार क्याक्यू सिटी को चाइना के युआन सिटी से कनेक्ट कर रहा है। और इस पाइपलाइन के पैरेलल चाइना हाईवेज को भी डेवलप कर रहा है जिससे कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है वहां से एक पाइपलाइन जाएगी चाइना के सिंजियांग प्रोविंस तक। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रेलवेज के थ्रू, हाईवेज के थ्रू चाइना को मिडल ईस्ट से यहां तक कि यूरोप से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कजाकिस्तान, रशिया, जर्मनी, इटली, यूके, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तेहरान जैसी कंट्रीज के थ्रू ये प्रोजेक्ट गुजरेंगे। और इन्हीं प्रोजेक्ट के अंदर चाइना बहुत सारे पावर प्लांट्स को, हाई स्पीड इंटरनेट केबल्स को, रिफाइनरीज को और भी बहुत सारी चीजों को एक सपोर्टिंग प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप ये बात समझ गए होंगे कि चाइना के लिए BRI प्रोजेक्ट कितना ज्यादा जरूरी है। और जब हम ये कहते हैं कि इसके थ्रू चाइना इंडिया को घेरना चाह रहा है या फिर US को कम्पीट करना चाह रहा है या फिर एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है, तो ये सारी चीजें सही है। एक्चुअली चाइना एक तीर से कई सारे निशाने लगा रहा है। अब ये निशाना कितना सही पे लगेगा, इनका प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सही बताऊं ना तो अभी चाइना के सामने समस्याएं बहुत हैं, क्योंकि जिन कंट्रीज को इन्होंने सबसे ज्यादा अहमियत दी थी इस BRI प्रोजेक्ट के लिए, यानी जिनकी इकोनॉमी वीक हो, जिनके यहाँ पे लोकतंत्र कमजोर हो, अब वहाँ पे या तो सिविल वार्स के खतरे ज्यादा होते हैं या फिर तख्ता पलट होता रहता है, तो ऐसे में जो इनका प्रोजेक्ट है ना वो भी लटक जाता है। और प्रोजेक्ट जितना लंबा खींचेगा उसके सक्सेस होने के चांसेस उतने घटते जाएंगे। तो अभी देखना होगा कि चाइना इस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करता है और US इसको काउंटर करने के लिए कितना एक्टिव होगा, ये भी देखने वाली बात होगी।